आंखों में अभी तक तुम्हारा प्रॉब्लम है, सही नहीं हुआ, उतना दूर क्यों गए? देखो कितना दूर चला गया। वहाँ क्या है, चले आओ मैंगो। हम लोगों का यहाँ जितना सारा सनकॉर्नियर्स या कोई भी बर्ड को हम लोग आउटडोर में छोड़ते हैं ना, तो उन लोगों को क्रो को, कौवा को चकमा लगाना आना चाहिए और ये लोग सीख जाता है। एक दो बार थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है, उसके बाद तो एकदम पूरा देखो, देखो इस साइड भी देखो, चारों तरफ छा रहा है। ये देखो मैंगो यहाँ चुपचाप बैठा है और वहाँ सारे कौवा भी मीटिंग कर रहा है। हाँ मैंगो कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। ओ देखो वहाँ से उड़ के यहाँ आके बैठा मैंगो। एक ही बार में हाथ में क्या कर रहे हो? आंखों में दर्द है, डॉक्टर साहब देख के गए हैं कि अभी तक पूरा सही से पका नहीं, इसी के लिए ऑपरेशन किया नहीं, और देखो कैसे चारों तरफ बाहर घूम रहा है। भाग रहा हूँ। हाँ इतना दूर क्यों गए थे? आंखों का हालत देखिए, इसी हालत में कोई बाहर जाता है? हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ संजय? पैरेट का नेचर समझ लेना, बहुत दिक्कत की बात है। हमको जहाँ तक पता था कि कॉकाटूस के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, ब्रीडिंग के टाइम मेल इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि फीमेल को कभी कभी मार भी देते हैं। और एक दिन पहले संजय ने हमको बताया कि दादा अंदर, हाँ ओ अभी तक यहाँ एक अंडा ले किया था, यहाँ एक अंडा ले किया था। उसके बाद मतलब संजय जब आया था तभी देखा था कि यहाँ एक अंडा ले किया, और थोड़ा सा प्रेशर के कारण मैं दो दिन फार्म पे आ नहीं पाया था। तो उसके बाद संजय ने नेस्ट बॉक्स को भी चेक किया, नेस्ट बॉक्स के अंदर क्या देखा था? दो अंडा, दो अंडा, मतलब नीचे एक किया था और नेस्ट बॉक्स के अंदर दो, और मेल और फीमेल। और तभी संजय ने कहा था कि मतलब मेल ने फीमेल को थोड़ा सा चोट पहुँचाया। तो मैंने सोचा था कॉकाटूस के अंदर होता है इतना लड़ाई, मतलब मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन अमेजन के अंदर, ब्लू फ्रंटेड अमेजन के अंदर ऐसे लड़ाई हो सकता है, ये मेरा मतलब नॉलेज में ही नहीं था कि मतलब अमेजन लड़ते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना डेडली फाइट कभी नहीं होता। उस दिन संजय ने कहा था कि शायद थोड़ा सा लड़ाई हुआ है, क्योंकि फीमेल का एक उंगली का थोड़ा सा मतलब नाखून का अगला पोर्शन थोड़ा सा कट गया था, मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था। मैंने सोचा था कि कभी कभी अगर फीमेल अंडे पे सही से हैचिंग के लिए नहीं बैठती है तो तभी मेल कभी कभी प्रेशर डालने के लिए ऐसे थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाता है। लेकिन आज जो देखा, मैं यहाँ बाहर खड़ा था, वहाँ से बैड मेल आ रहा था, उसके बाद संजय को बुलाया कि संजय देखो क्या है, और जो देखा मैं क्या कहूँ। लास्ट कब देखा था संजय? कल देखा था फीमेल बाहर मेल अंदर। आज ये देखो क्या कर सकते हैं। जितना अच्छा जैसे होना चाहिए, जैसे हो पाता है उसी हिसाब से करता हूँ, फिर भी अगर ऐसे हो जाता है तो और क्या कर सकते हैं। निकालो आज कुछ अंडा है, बाकी का दो अंडा है अभी। अंडा अभी मतलब अंदर है, तोड़ दिया है ना। चलो निकल। क्या कैसे, क्या गुस्सा आ गया तुमको? कहाँ कहाँ चोट पहुँचा है? हाँ दिखाओ थोड़ा सा। इतना दे रहने से काटा, क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा बॉन्डिंग था, क्या गुस्सा, इतना क्या, कहाँ से क्या गुस्सा आ गया तुमको? अंडा भी तोड़ दिया, एक ही है और है। अच्छा अंदर दो था बाहर एक ना, तीन अंडा ले लिया था, फर्स्ट टाइम ब्रीड था। क्या हुआ, क्या किया तुमने? और क्या कहूँ, कितना बुरी तरीके से लड़ाई।
कल दोपहर में ठीक था ना? दोपहर में तो मैंने देखा नहीं, सुबह देखा ठीक था। हाँ, और ब्रीडिंग के रूप में ज़्यादा डिस्टर्ब भी हम लोग नहीं करते हैं। दोनों अंडा भी खराब हो चुका है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन कल तो कोई आवाज़ वगैरह ऐसे कुछ सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके ऐसे लड़ाई करके मारा ना, क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया तुमने यार। चल क्या कर सकते हैं, क्या करें, हम लोग तो हम लोगों का बेस्ट करते हैं। मतलब कोकाडोस के अंदर होता है पता है, लेकिन मतलब ये लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। अमेजन का हम कखनो देखे, अमेजन पैरेट्स के अंदर ऐसे डेडली फाइट होता है, ब्रीडिंग के टाइम मेल फीमेल को मार देते हैं, ये लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और क्या था इनके आज का दिन बहुत ख़राब है, क्या हुआ तुम्हारा? हाँ यहाँ थोड़ा सा चोट लगा। ओए हाँ, किसी भी कारण के लिए यहाँ थोड़ा सा चोट लग गया है। हाँ, इसको अंदर छोटा सा केज के अंदर रख के ट्रीटमेंट कराना होगा। आ जाओ संजय, चोट लगा है। तो आज का एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे और फिर से मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।